हेलो गाइस, तो तीसरे टेस्ट का चौथा दिन आ चुका और पहला ओवर लेके आ चुके डेविड वार्नर यानी कि पार्ट टाइम। और पहली गेम में भैया ये क्या मतलब, पहली गेम में चैलेंज कर रहे भैया अपने बैट्समैन को, तो चलिए कर देंगे इनकी भी कुछ धुलाई करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, ये है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच का चौथा दिन जो कि तीसरे टेस्ट मैच का है। यहाँ पर इससे पहले हमने तीन डे का मैच, इसका हाइलाइट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, वहाँ पर हमने पहले तीन डे का भी प्ले किया है। तो सारे मैच आप नीचे जाइए और वहाँ पर वो जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ना क्योंकि सब्सक्राइब करने के आपको कोई भी पैसे लगते नहीं है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है। तो हर एक मैच को इन्जॉय करने के लिए, हर दिन के मैच को इन्जॉय करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब हमारे पास बाकी मात्र एकमात्र विकेट और हमारे पास दोनों भी अच्छे प्योर बैट्समैन हैं जो कि हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत हैं। तो आप सोचेंगे तो इतने लास्ट तक हमारी बैटिंग कैसे बची, तो उसके लिए आपको पहले कुछ दिनों का खेल देखना होगा, जिसमें मैंने जो हमारे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जैसे जो बॉलर थे उनको मैंने पहले बैटिंग करवा दी थी और हमारे अच्छे बैट्समैन अभी भी मैंने पीछे रखे हमें कुछ बैटिंग करने के लिए, कुछ रन बनाने के लिए। तो अब हम हमारी दूसरी इनिंग है यहाँ पर, तो इसलिए हमें टारगेट देने का टाइम आ चुका है, तो कोशिश करेंगे लगभग 500 तक भी टारगेट दे पाएँ। तो चलिए, एक और बाउंड्री हमने निकाल दिया हार्दिक पांड्या के बल्ले से। तो अभी हम यहाँ पर थर्ड इनिंग यहाँ पर स्टार्ट है, तो एक विकेट हमारे पास मात्र बाकी है, तो कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा रन बना पाए उतने ज़्यादा रन बना लें। अगर विकेट गिरती है तो कोई बात नहीं, रिस्क तो हम उठाने वाले हैं, रिस्क है तो इश्क है भैया। तो चलिए अभी देखते हैं और क्या होता है। तो रिस्क हम ले रहे हैं और हमें इश्क मिल भी रहा है, तो चलिए फिर से कोशिश करेंगे कोई और एक रिस्क उठाने की और रन बनाने की तेज़ी से। तो चलिए नीचे स्टार आयरन भी बटने लगाएंगे एक और शॉट और ये गेंद भी हमें मिलेगी चार रन के लिए। तो बढ़िया रन अभी तो बन रहे भैया। तो क्या लगता है आपको, ये मुकाबला हम क्या जीत पाएंगे, तीसरा टेस्ट मैच जी बिल्कुल से, क्या कड़क शॉट अभी निकल रहे। तो भैया वीडियो को जल्दी से लाइक ठोक देना भैया, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं वो सभी के सभी वीडियो को लाइक भी ठोक देना और कमेंट कर दीजिए आपका फेवरेट इंडियन प्लेयर कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलियन कौन सा भी आपका फेवरेट प्लेयर उसके आप कमेंट कर दीजिए। देख सकते हैं आखिरी विकेट बाकी और 33 गेंदों में हमने 50 रन की पार्टनरशिप कर दी भैया। और भाई ये तो बॉल ही उखाड़ दिया पैट कमिंस ने यहाँ पर, और उसी के साथ 487 रन हमने बना लिया और 488 रन का टारगेट हमने ऑस्ट्रेलिया को दे दिया है। समय तो अभी बहुत बाकी है, मैच ड्रॉ होने के कोई चांसेस तो है नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा दीवाना खेले तो ये मुकाबला ड्रॉ नहीं हो सकता है। तो ये मैच हमारे पकड़ में तो नज़र आ रहा है, बट इतना बड़ा भी टारगेट है ही नहीं, 500 के ऊपर होता तो कोई मज़ा आता। तो चलिए फिर भी विकेट लेने की कोशिश करेंगे जल्दी से। तो पहला ओवर जसप्रीत बुमराह का हमने निकाल लिया जिसमें एक रन आया और दूसरा ओवर मोहम्मद सिराज से करवाएंगे। और क्या बढ़िया गेंद निकली है यार मोहम्मद सिराज की, मतलब बहुत ही बढ़िया गेंद निकली और यार क्या विकेट जी बिल्कुल से, मैं बोल रहा था बहुत ही बढ़िया गेंद निकली। और यहाँ पर डेविड वार्नर की विकेट भी हासिल कर ली हमने, पहली विकेट हमें मिल गई जो कि बड़े आसानी से मिल गई। तो जसप्रीत बुमराह यहाँ पर तीसरी ओवर करवाएंगे, यहाँ पर एक रन यहाँ पर जरूर बनेगा। और यहाँ पर ये थ्रो क्यों कर रहे भैया, बड़े आसानी से प्लेयर पहुँच गया और कोई रन आउट मिलेगा नहीं यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ क्या ही बढ़िया, आज मोहम्मद सिराज से मैं गेंदबाजी जितनी भी करवा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया निकल रही है भैया, मतलब टफ गेंदबाजी हो रही है। तो यहाँ बाउंड्री करवाएंगे, पहली बाउंड्री से इनिंग की कह सकते हैं हम। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। स्पिनर को लेकर आया हूँ मैं जडेजा को, यहाँ पर क्या लीडर हमारे मौजूद है, वहाँ पर कोई गैप में गेंद निकलेगी नहीं। दो फील्डर मैंने सर्कल के बाहर रखे, ये शॉट भैया उठा के मार दिया 6 रन के लिए। तो गेंद यहाँ पर पाने में नहीं गेंद निकली है, कुछ गेंद पीछे करने की कोशिश करता हुआ अश्विन यहाँ पर, और यहाँ सिंगल जरूर बनेगा। तो यहाँ मुझे पार्टनरशिप होने नहीं देनी होगी, दोनों प्लेयर पार्टनरशिप करने की कोशिश करें, कितने वक्त से खेल रहे दोनों, इन दोनों की पार्टनरशिप तोड़ना जरूरी है। बट यह एक गलत गेंद थी भैया, ये मैंने बहुत ही गलत गेंद की, ये बाउंड्री के लायक ही गेंद थी भैया। तो बाउंड्री निकल भी गई, वेड ने निकल ली बाउंड्री। तो चलिए किसी तरह से ओवर रिवर्स स्वीप और ये बाउंड्री, तो चलिए स्लिप हटा दिए। तो यहाँ पर रिवर्स स्वीप भी यहाँ पर लगा रहे ये प्लेयर, तो अभी तो मैं स्लिप यहाँ पर रखने वाला नहीं हूँ या कुछ अभी, और फिर से रिवर्स स्वीप लगाई और फिर से चार रन यहाँ पर क्या स्लिप रखनी है पड़ी भैया। यहाँ पर तो रिवर्स स्वीप भी बहुत ज़्यादा रन बना लेंगे, मुझे ये पार्टनरशिप तोड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये पार्टनरशिप लगभग 50 रन के ऊपर हो गई और ये 6 रन के लिए गेंद मार दी भैया, तो अब हमारे लिए कुछ मुसीबतें बना रहे भैया दोनों बैट्समैन। यहाँ पर वेड यहाँ पर देख सकते हैं आप 43 रन पर पहुँच चुके हैं,
तो कोशिश करेंगे यहाँ पर जीत बिल्कुल से 291 रन वाली टीम को जीत के लिए चाहिए। ये मुकाबला अभी हमारे पक्ष में नहीं है, कह सकते हैं क्योंकि 291 रन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। 5 विकेट अभी भी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में और दमखम भी है इनके बैट्समैन में, तो कोई और एक विकेट हमें मिल जाए तो बात बन जाए। और विकेट के नाम लिया और विकेट हाजिर, वो विकेट भी मिली भैया फिर से मोहम्मद सिराज के जरिए। भैया आज दिन है भैया मोहम्मद सिराज का, और टीम पेन की विकेट जो कि बहुत ही धुलाई की थी पिछले इनिंग में टीम पेन ने हमारी, तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट मिली। और ये मुकाबले में अब हम हमारी पकड़ जरूर बढ़ा, भैया पर एक लगा जरूर था बस कैच कैरी नहीं हुई और ऋषभ पंत के हाथ से निकल गई भैया गेंद, तो यहाँ पर कैच कैरी हुई और यहाँ पर अपील किया हमने बट विकेट दे नहीं रहे, तो चलिए रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर विकेट मिल जाए तो काम बन जाएगा और रिव्यू यहाँ पर कामयाब हो गया भैया और बहुत ही बढ़िया विकेट हमें मिल गई। एक और विकेट यहाँ पर जो सेट बैट्समैन थे उसकी विकेट मिल गई, मतलब अब ये मुकाबले में हमारी पकड़ बन चुकी है। और यहाँ एज लगा और 4 रन यहाँ पर ब्रेट करने की कोशिश कर रहे थे और एज लगा और 4 रन मिल गए ऑस्ट्रेलिया की टीम को, तो अब 3 विकेट मात्र रहे तो उनकी भी हम जल्दी से निकालने की कोशिश करेंगे। और सिंगल डबल से कोई काम जमने वाला नहीं भैया ऑस्ट्रेलिया टीम का, और वक्त भी अभी बहुत बाकी है तो कोई हमारे लिए मुश्किल की बात है नहीं, तो ये मैच ड्रॉ होने के कोई चांसेस है नहीं अभी। चलिए आखिरी सेशन है इस दिन का, तो 5वें दिन में तो हम जीत ही जाएंगे, तो 2 विकेट मात्र हमें चाहिए तो बड़े आसानी से मुकाबला हम जीत सकते हैं। तो 3रे टेस्ट में बन चुकी भैया बहुत ही बढ़िया पकड़ हमारी, और ये मुकाबला हम किसी भी तरह से जीतने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ ये मुकाबला हमने 203 रन से जीत लिया है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का 3रा मुकाबला 203 रन से जीत लिया है। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट मुकाबले में, इस मुकाबले में कह सकते हैं हम 284 रन हमने बनाए जरूर थे ऑस्ट्रेलिया को बनाने दिए, बस ये मुकाबला हमने बड़े आसानी से जीत लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट मैच में।